अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब लोग खैरियत होंगे। आज आपके लिए मैं टोयोटा प्रीमियम 1.5 का रिव्यू लेकर आया हूँ। 2007 मॉडल, ये वो मॉडल है जो शुरू में आया था। फ्रंट से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ओनर ने जो है लाइटें वगैरह ब्लैक की हैं तो और भी गाड़ी जो है वो अच्छी लग रही है। पूरी इन्होंने LED इसमें लगाई है, LED इंडिकेटर वगैरह सारी चीज़ें। 205/55 और 16 इंच के इसमें अलॉय रिम लगे हुए हैं, लेकिन JJ जो है वो बड़ा लगा हुआ है। साइड स्कर्ट भी आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ी अच्छी लग रही है। आप देख सकते हैं साइड लुक की बात करें तो, बैक की बात करें तो इसमें जो लाइटें हैं वो आप देख सकते हैं चेंज है, 2010 मॉडल की लगी हुई है। वैसे जो है वो थोड़ी सादी होती हैं। अभी क्योंकि स्विच लगा हुआ है गाड़ी में तो इसलिए यहाँ से रिमोट से ओपन नहीं हुई ट्रंक, वरना आप यहाँ से भी ट्रंक रिलीज कर सकते हैं। और अंदर से उसमें बटन जो लगा हुआ है ना वो सिर्फ अनलॉक होती है, लॉक अनलॉक होती है गाड़ी। और ट्रंक की जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हैं स्पेयर व्हील अंदर लगा हुआ है, बेहतरीन गाड़ी, माशाल्लाह साफ है, सही है, ठीक है, साफ है। पीछे स्पीकर इसमें नहीं होते, इसमें जो है वो सिर्फ 2-4 स्पीकर होते हैं दरवाजों। इसमें जो है ना 4x4 भी एक आती है, ये 4x2 है, उसका आपको चेसी नंबर जो है ना उसमें पता चलता है। गेट खोलेंगे आपको टिकली नज़र आएगी, 1496 CC 1NZ FE 260 जो होता है ना ये 4x2 होती है, 266 जो होती है या 264 जो होती है वो 4x4 होती है। और अगर वहाँ से भी पता ना चले तो आप नीचे देख लो, आपको शाफ्ट नज़र आएगा, इसमें देखो शाफ्ट कहीं भी नहीं है। इंजन की स्पेक्स की बात कर ली जाए तो 1NZ FE इंजन है, 1500, इसमें 1800 भी होती है और इसमें जो जी होती है वो 2000 CC होती है। और ये वाली जो इसमें आप देख सकते हैं ABS ब्रेक भी आपको नज़र आ रहा है, तो सारी प्रीमियम में ABS ब्रेक वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। और 110 हॉर्स पावर है, 6000 RPM पे बना सकता है, 290 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट कर सकता है इंजन, वो बहुत ज़्यादा है। और वेट गाड़ी का मेरे ख्याल 1250 किलो है। इंटीरियर की बात करें तो स्मार्ट एंट्री आप देख सकते हैं, लॉक अनलॉक फीचर है और ट्रंक रिलीज़ कर सकते हैं। आपकी पॉकेट में रिमोट हो आप यहाँ से इसको अनलॉक और लॉक कर सकते हैं। सेंसर इसमें लगा हुआ है, अभी क्योंकि स्विच लगा हुआ है इसलिए गाड़ी जो है वो लॉक या अनलॉक नहीं होगी। रूम तो आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बेहतरीन है, ये इसमें जो है वुडन इंटीरियर पूरा होता है, ओरिजिनल कलर चेंज होते हैं। इसका जो है बेज रूम है, ब्लैक रूम भी आती है, बेज रूम भी आती है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है ये ओनर बोलने के बाद के लगे हुए। बाकी 4 स्पीकर इसमें ओरिजिनल होते हैं, पुश स्टार्ट बटन, रिट्रैक्टेबल मिरर का पूरा सिस्टम है, लाइटें और नीचे ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स रखने की जगह, ब्रेक दबाएंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। बेहतरीन मीटर है पूरा ज़बरदस्त, मल्टीमीडिया स्टेयरिंग, CVT गेयरबॉक्स है, ऑटो AC क्लाइमेट कंट्रोल है, फोक लाइट का बटन आपको नज़र आ रहा है, पोल ऑटो लिखा हुआ है, वो जो बाहर डंडी निकलती है बम्पर में, CVT गेयरबॉक्स है, SBR पार्किंग, और इसमें ग्लब छोटा सा जगह रखने की, सिगरेट लाइटर भी है, ग्लब बॉक्स है। रूम देख के सब प्यारा हो रहा है, ज़बरदस्त डोम लाइट्स दो हैं ऊपर, आप देख सकते हैं, अब देखना जादू देखना, कंपनी ने फ्री नहीं किया, जादू नहीं हुआ इसमें, वो जादू हो गया ना। अगर आपको मेकअप वगैरह करना हो यहाँ पे आगे पीछे भी होता है आमलेट, ज़बरदस्त स्टैंड ऊपर नीचे हो सकता है, दो एयरबैग जो है वो उसके डैशबोर्ड में। अभी मैं जो हूँ लेग रूम और हेड रूम आपको बताता हूँ, उससे पहले आप दरवाज़ों की एंट्री और एग्जिट आप दे सकते हैं, तकरीबन 90 डिग्रीज पे खुलने हैं, आराम से हम बैठ सकते हैं इसमें, देखो आराम से। ये सीट जो है फुल पीछे है, आप देखो बिल्कुल लग्जरी स्टाइल में मैं बैठा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। हेडरूम भी है और लेग रूम भी है, आप देख सकते हैं लेग रूम भी, हेडरूम भी बहुत है। पीछे भी डोम लाइट्स कंपनी ने दिए, कंपनी ने फ्री किया है, यहाँ पर भी आर्मरेस्ट है। और सीट जो है ना ये वाली, ये भी आगे पीछे हो सकती है, आपको मैं दिखाता हूँ करके, ये भी जो है ना पूरी खुलती है, पीछे एस्ट्रे भी है, कंपनी ने फ्री किया है। ये जो है ना आप देख सकते हैं सीट जो है ना पूरी ऐसे हो जाएगी, बड़ा सामान रखने के लिए कंपनी ने आपको फ्री किया, ठीक है। और इसको अगर आपको नीचे करना है ना, तो बटन हुक लगा हुआ है, और भी ये जो है ना टेक नीचे हो जाएगी, बिल्कुल आपको बड़े बड़े से सफ़र में आपको गाड़ी थकाएगी नहीं। रूम देखे ना कितना बड़ा है माशाल्लाह से। गाड़ी का रिव्यू हो गया, बाकी ये कि हमें जो है वो पूरा एक्सपीरियंस जवाद भाई बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। इनका सेकेंड टाइम है, पहले यार इस काम ने ओनर रिव्यू किया था 1500 की। अच्छा तो जवाहर भाई आपने कब ली गाड़ी, कब ली, कितने के लिए? मैंने ली
साल और मुझे ये गाड़ी पड़ गई 36 to 37, और उसके अलावा काम जो मैंने गाड़ी में करवाया वो सारे अलग। सही, तो 36-37 लाख में आपने ये क्यों ली गाड़ी? 36-37 लाख में और कुछ मिलता नहीं है सर। हमें मिलता तो कुछ भी नहीं है, तो जब हम 2020 में रिव्यू कर रहे थे तब 30 लाख रुपये में मिल जाती थी, 1.8 मिल जाती थी, 1.6 मिल जाती थी 18 मॉडल, 1.8 मिल जाती थी 17 की, 16 की, साफ सुथरी गाड़ी, साफ सुथरी गाड़ी। अभी 35-36 लाख रुपए में आपको मेरे ख्याल से 2016-17 की GLI, मैंने 15 की GLI बेची 36 लाख में, तो वही अब उसका और इसका कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मतलब दूसरी कोई गाड़ी कंसीडर जा रहे नहीं कर रहे थे? नहीं, लेनी है कोई गाड़ी, मुझे असल में शौक है पुरानी गाड़ियों का, JDM गाड़ियों का। अब मैं जो है लेना असल में चाह रहा हूँ मार्क एक्स था, 250G, इतने पैसों में मिल जाती मिल जाती उस टाइम पे मिल जाती, अभी भी मिल जाती है 250G 35 से लेकर 40 तक, साफ सुथरी गाड़ी, भले शावर ही हो, क्योंकि 250 मार्क एक्स कोई भी जेन्युइन आपको नहीं मिलेगी, टोटल जेन्युइन कोई भी नहीं मिलेगी, कहीं से भी नहीं मिलेगी। सही बात है, क्योंकि इतनी पुरानी गाड़ी ऑब्वियसली नहीं मिल सकती। तो मुझे डायरेक्ट जंप नहीं करना था, मैंने बेची थी यारिस, अब जारी बात है पुरानी गाड़ियों का मुझे एक्सपीरियंस करना था पहले कि क्या है, क्या चक्कर है, क्या नहीं है। तो फिर मैंने जो बिल्कुल उस बराबर की लीक की गाड़ी मिल रही थी प्रीमियम, फ्रंट व्हील ड्राइव है, जारी बात है वो रेंज मिल रही है, तो फिर मैंने प्रीमियम ले ली। सही, अब इसके बाद मेरा प्लान है मार्केट पर सर्चिंग में, मतलब इसको बेच रहे हैं, इसको सेल कर, भाई बेच भी रहे हैं, अगर चाहिए आपको तो आप बताना, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम आपको नीचे मिल जाएगा मेरा। अच्छा, दूसरा ये कि फ्यूल एवरेज में कैसी? फ्यूल एवरेज इसका कोई भी नॉर्मल जो करोला या सिविक, अच्छा उसके इतना है, मतलब उनसे बेहतर होगा, उनसे कम नहीं, कम नहीं। और इसका शहर में दे देती है 9 से 10 और लॉन्ग पर ही दे देती है 15। अच्छा, आप कह रहे काम कराया था, कौन सा काम कराया है? इसमें मैंने रिम्स की चेंज करवाए हैं, इसमें आती हैं कंपनी से 16 इंच भी आती हैं, लेकिन वो अप स्पेक में आती हैं, एफ ग्रेड में आती हैं 15 इंच की रिम, इसको मैंने 16 इंच की लगवाई है, डीप डिश कॉनकेव रिम्स, डीप डिश नहीं सॉरी कॉनकेव रिम्स, कॉनकेव रिम्स सही, डीप डिश दूसरी होती है, हां डीप डिश तो बिल्कुल ही, हां और इसमें बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई ऐसे खास नहीं है, बस ये लाइटें वाइट है, ये वो LED नॉर्मल है, हां बस नॉर्मल, बाकी ज्यादा साइड स्कर्ट्स लगी हुई है जो एक्स्ट्रा है, एड ऑन है, और कुछ भी नहीं है। सही। अच्छा, रूम में जो वुडन है सारा ओरिजिनल है? सारा वुडन ओरिजिनल है। ब्लैक रूम भी आती है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एक प्राइम सिलेक्शन आती है जिसमें HID ओरिजिनल लगी होती है, लेकिन HID ओरिजिनल लगी हुई होती है, इलेक्ट्रिक सीट्स होती है, हीटेड सीट्स वाली भी होती है, उसके अलावा लेदर सीट्स वाली भी होती है, ये फैब्रिक सीट वाली है, फैब्रिक सीट वाली, बेज रूम होता है, ब्लैक रूम होता है, बहुत सारी ऑप्शन, बहुत सारे, बहुत सारे। अच्छा, अभी इसका रेंज का क्या है, प्राइस रेंज का? ये गाड़ी आपको 35 से लेकर 1,30,40 तक मिल जाती है, ये शेप पर ऑब्वियसली नया मॉडल, 2016 के बाद की जो गाड़ी है, जो मतलब बिल्कुल नया शेप लेटेस्ट हुआ है, 2021 सेम चेसी पे, हाँ सेम चेसी पे 2021 में गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई है प्रीमियम। अच्छा, और जो नया शेप है वो आपको मिल जाता है 2016 से कोई 70 लाख से लेकर, और ये जो 2007 से लेकर 2016 तक की गाड़ी है जो पिछला शेप है वो स्टार्ट होता है 35 लाख से लेकर 60-65 तक ये मिलता है, और जो नया शेप है वो 70 से लेकर शुरू होता है, फिर 70-80 जहाँ तक वो जैसी गाड़ी वैसे जैसे गाड़ी वैसे। सही। अच्छा, मेंटेनेंस में कैसी गाड़ी? मेंटेनेंस करोला जैसी मेंटेनेंस, सेम टू सेम। अच्छा, पीछे इसमें जो है ना इंडिपेंडेंट सस्पेंशन नहीं है, तो थोड़ा गाड़ी सिविक के हिसाब से थोड़ी उछलती है गाड़ी, मतलब ऐसे ऐसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो सिविक से ज़्यादा इसकी सस्पेंशन अच्छी है ना, कंफर्टेबल है। सही, सिविक में इंडिपेंडेंट है तो वो खड्डों में जो है ना गाड़ी सीधी, जहाँ वो सीधी चलेगी ना हल्के फुल्के खड्डों में, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी, क्योंकि ये भाई उन्होंने मुझे कहा था कि आप ये चीज़ बताया करो, तो मैंने कहा भाई हाजिर हम बता देंगे। और सही है। अच्छा, फैमिली इसमें बिठाते हैं तो पीछे कोई इशू पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी कोई भी इशू, लेग रूम वगैरह फुल सिविक करोला से बेहतर। सही। अच्छा, और मेंटेनेंस में ऑयल क्या बता रहे थे आप इसमें? ऑयल इसमें वो तो अपनी चॉइस है, पर आप कौन सा डालते हैं इसमें? आपने कहा था ऑयल का मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं चेंज करवाता हूँ अपने मैकेनिक से। सही। नहीं, आप बोले थे ना लिक्विड मोली कोई है वो, हाँ ऑयल मैं इसका कंपनी में लिक्विड मोली का डलवाता हूँ। अच्छा, जो अच्छा है, और बस यही है, और खास मेंटेनेंस मेरी मांगती नहीं है। साल में कभी तंग नहीं किया?
मैंने जब से लिया है गाड़ी थोड़ा ऑयल चेंज करवाया है, हल्का फुल्का जो सस्पेंशन का काम होता है, जाहिर सी बात है जो रिम इसके ज्यादा बड़े लगे हुए हैं तो वो उसकी मेंटेनेंस चाहिए होती है, सही होती है, सही बात है, हर गाड़ी की जैसे मेंटेनेंस होती है वही इसकी मेंटेनेंस है। और सस्पेंशन भी नरम है, सॉफ्ट है, बिल्कुल सही। और कुछ बताएंगे गाड़ी के बारे में? मैं कहूँगा इतने पैसों में इस गाड़ी से बेहतर कोई गाड़ी नहीं, बेहतर कोई गाड़ी अगर आपको फैमिली कार चाहिए और आपको महसूस नहीं करवाती गाड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ियां करुला हो गई। और सिविक तो बहरहाल उसकी ग्रिप अच्छी है, उसकी ड्राइव भी अच्छी है, लेकिन ये उसको टक्कर देगी। मतलब मैं समझता हूँ ये सब सिविक से ऊपर की गाड़ी है, क्योंकि हर किसी का ओपिनियन है, क्योंकि ये कैमरी से नीचे और मतलब जैसे लीग है ना, जैसे कैमरी है, मार्क एक्स है और क्राउन है, तो ये कैमरी से नीचे आती है, कैमरी से ऊपर मार्क एक्स आती है, उसके ऊपर क्राउन आती है, तो वैसे और इससे नीचे करोला आती है, करोला से ऊपर की गाड़ी, करोला के ऊपर है। सही, बिल्कुल सही सही है जवाब भाई। और कोई चीज तो नहीं है गाड़ी के बारे में जो आप लोगों को बताना चाहते हो? नहीं, और क्योंकि पुरानी गाड़ी हर कोई डरता है, बोलता है यार, मैं बोलता हूँ सबको कि भाई इतने पैसों में टोयोटा है ना, अगर पुरानी गाड़ी टोयोटा है ना तो अगर उसका गाड़ी इंजन ओके है, रिलायबल है गाड़ी, रिलायबल गाड़ी है, एक्सियो प्रीमियम पहली बात तो मिलती नहीं, अब प्रियस हो गई, प्रियस में सिर्फ एक मसला है, पुरानी गाड़ी आई है होता है उसकी बैटरियां, हाइब्रिड बैटरी का इशू होता है, पर वो भी अगर आप नहीं डलवा दें तो फिर उस गाड़ी की बहुत लाइफ हो जाती है, प्रियस तो भाई अभी मिलनी नहीं है, 36 लाख में तो है ही नहीं गाड़ी, एवरेज की वजह से, एवरेज की वजह से सही है। अच्छा अच्छा, दूसरा ये कि लोग मुझे कहते हैं कि टायर बेस में आप तो कह रहे हो ये ठीक है, आपको इतने पैसों में अच्छी है गाड़ी, पर आप दिलाओ वही दिलाओ तो वही यही बात है कि मिलती नहीं है गाड़ी। अब जैसे ये है, ये बेच रहे हैं तो यही है गाड़ी, गाड़ी मुश्किल से मिलती है, तकरीबन गाड़ियां शावर है, और मुझे पता है आपने भी बड़ी मेहनत करके ढूंढी थी, याद है उस वो टाइम मुझे भी मिले थे, मुझे भी आपने कहा था कि यार गाड़ी याद कर दो, गाड़ी याद करो, मिली नहीं थी गाड़ी, उन्होंने कराची से जाके ली थी, तो अगर आपको मिल रही है अच्छी गाड़ी, पॉसिबल है तो फिर मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें ये है कि इतनी पुरानी गाड़ी है तो आपको कुछ नहीं पता, उसकी आपको जो पिछली हिस्ट्री है वो पता होनी चाहिए, उसका इंजन ओके होना चाहिए, उसका एसी ओके होना चाहिए, उसका सस्पेंशन का तो खैर है, सस्पेंशन तो निकाल के आप नया लगा दो, पर ये चीजें कुछ है जो ओके होनी चाहिए, तो फिर आपको गाड़ी लेनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको गाड़ी तंग भी कर सकती है। पर अगर गाड़ी ओके है, सिंगल एंड ड्रिवन है, अच्छी गाड़ी है, तो आप ले ले पहले। और रीसेल वैल्यू 1800 की थोड़ी कम है, 1800 की तो ऐसे हॉटकेक है, वो तो मार्केट में आता है, रुकता ही नहीं है, कोई छोड़ता ही नहीं है। 2000 सीसी की कम है, 2000 की कम है, पर वो मिलती नहीं है, जो ले जिसको पता है वो गाड़ी क्या है या ये गाड़ियाँ क्या है तो वो लेते हैं, वो छोड़ते नहीं है। मतलब 40 के हेर फेर में आपको ऐसी गाड़ी मिलती है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, दूसरी अगर कंसीडर में देखा जाए तो कोरोला मिलेगी आपको, तो क्या मिलेगा नया, जीरो मीटर में आपको क्या मिलेगा, यारिस भी नहीं मिलेगी, मैनुअल भी नहीं मिल रही अभी, तो जीरो में तो आपको कल्टस भी नहीं मिल रही, शायद कल्टस भी एक से मैनुअल पता आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और मेरे पास भी एक पुरानी गाड़ी थी 7-12 की, उसका मैंने रिव्यू किया था, अगर आपको देखना हो तो आप चैनल पे देख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। और जवाब भाई बहुत सारा शुक्रिया सबसे पहले, तो पहले मैं कहता हूँ पर मैं भूल गया था, नहीं शुक्रिया यार आप आए, आपने टाइम दिया, कोई मसला नहीं। तीसरी दफा हमने किया, क्योंकि एक हमने यारिस का किया था, उसके बाद प्राडो का किया था, अभी तीसरी है, और चौथी वो एक दूसरी गाड़ी लैंड क्रूजर थी, लैंड क्रूजर का भी किया था चौथी, और पांचवी अब आएगी वो विगो, विगो का करें। आपके पास भी इसी कोई गाड़ी हैदराबाद में रिव्यू होना, रिव्यू वगैरह आपको कराना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। शुक्रिया।